अभी आजकल मुझे यहाँ से व्यू अच्छा मिलता है ना, तो मेरा व्लॉग की ओपनिंग यहीं से हो जाती है, एक ग्रीन व्यू देखते हुए। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है एक नया दिन, छुट्टियां तो भी लगी गई हैं, शूट तो भी है नहीं। और देखा आपने जिस तरीके से दीपिका का बर्थडे का व्लॉग आपने बहुत प्यार दिया, वो ट्रेंड भी हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज नया दिन, नया व्लॉग। आज देखो मैंने कौन सी टी शर्ट पहनी है, खुश रहिए, प्यार बांटिए। ये जो मेरा जब काउंट डाउन कर रहे थे तब प्रिंट करवाई थी बच्चों ने, तो ये है। तो आज हम रूहान का अकीका, वो भी हम आज कर रहे हैं। बाकी फंक्शन वगैरह तो कभी इंशाल्लाह मौदहा जाना होगा तो मौदहा में ही करेंगे, यहाँ तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। तो बच्चों को बोल दिया है, उन्होंने वहाँ पे सारा इंतजाम कर दिया है कुर्बानी का, और यहाँ पे आज रूहान के हम जो है वो बाल जो निकलवा देंगे। आप कई लोग बोल रहे थे कि सात दिन पे निकालते हैं, तो वो चीज़ पता है कि 7 दिन पे निकालते हैं, लेकिन रीज़न ये है कि ये प्रीमेच्योर था, ठीक है, वक्त से पहले आया था, तो इसकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो जब तक इसका पूरा जो पीरियड था वो नहीं हो जाता, डॉक्टर्स ने कहा था कि तब तक हम इसके लिए रुकेंगे, किसी भी चीज़ के लिए हमें रुकना होगा, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो पूरा टर्म होता है वो जो इसका अगस्त फर्स्ट वीक या लास्ट वीक ऑफ जुलाई था, तो हम अगस्त फर्स्ट वीक तक हम रुके हुए थे। तो अब वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह धीरे धीरे होंगी और आज इसके बाल निकलेंगे। कैसा लगेगा ये, क्यों? फिलहाल तो अभी ये फीड ले रहा है, यहाँ पे दीपिका है यहाँ पे, चलिए। और यहाँ पे तुषार बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी एक छोटी सी चेन लेके आया था रूहान के लिए एज अ गिफ्ट। बस अभी इंतजार क्या है, जब तक तुम बाहर थे मत सोए हुआ, टाइमिंग रॉन्ग कर दी ना इस तुषार ने, है ना रोहान, टाइमिंग रॉन्ग कर दी ना। मुझे पता है तुम रोगे। हाँ बाबा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है ये माथे पे? बस डाउन
बस वेरी गुड राम क्यों बस लो दो मिनट हो गया बस हो गया अब मैं गुड फॉर इट बस 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 नहीं 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 हाँ हाँ हो गया इसे दो मिनट इसे दो मिनट हो गया मेल बाद में करेंगे ठीक है अभी नहीं बैठा भी सुकून से है ना बहुत अच्छे से किया आप बैठे भी अच्छे से चलो हाँ चलो और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया था डॉक्टर दावरे के पास जैसे मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं गया था फिल्म सिटी फॉर द लास्ट टाइम अपना सामान लेने क्योंकि सबका सामान जा चुका था बस मेरा बचा हुआ था ये सब नहीं पड़ेगा ना यार ये सब निकाल लिया को दे दिया जो ये सब था राहुल कुछ सामान ले लिए लेके जाएंगे घर पे ठीक है रखो कैसे रखोगे ये सब खाली है पीछे की सीट ना अगर जगह हो तो पीछे की सीट को गिरा लो फिर तुम लोग कैसे आ जाएंगे हम हाँ ये नहीं मेरा सामान चल चले जाएगा इस ऑटो में चला जाएगा ऑटो लेके भेज देंगे अपना ये खाली मेरा ये एक तो बैग है ठीक है ठीक है ये संभाल के रखना पड़ेगा नहीं तो हाँ ये गाड़ी इसको तो संभाल के रखना इसको कपड़ा है ऐसा साफ कपड़ा ब्लैक कपड़े में पैक कर देगा साफ कपड़े में मैं रूम में करता हूँ सीट पे ना अच्छे से डाल दूँ सीट आगे रख ये अपना मेकअप चलो कुछ बोलना चाहेंगे सर कुछ बोलना चाहेंगे पीछे रखे हाँ एक सेल्फी बोलता है सर आज आखिरी बार यहाँ से शूट कर रहा हूँ अपने मेकअप रूम से अभी डन चलो बाय 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 सर निकाल रहा दिख रहा है निकाल रहा है बाय बाबू आ जा और यहाँ पे अंकित जो है कुछ गिफ्ट लेके आया था रोहन के लिए बड़ी क्यूट गिफ्ट थे वो आप देखो अरे रे इसके बड़े कपड़े आए जा रहे हैं आजकल ओह ये उड़ भी गया साइज के खाली यही थे उसके पास बाकी बड़े में तो बहुत ये बहुत क्या है वो प्रोजेक्टर और वो सॉफ्ट म्यूजिक वाला प्रोजेक्टर मतलब कैसे ये कैसे कहाँ लगाना है प्रोजेक्टर नहीं ऐसी
नाइट के टाइम पे आएगा वो ऊपर। अच्छा ऐसे इधर आ रहा है ना, देखा तो स्क्रीन लाइट बंद हो रहा है, इसके हाथ पे आ रहा है ना। अच्छा हाँ 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 हाँ, अभी रात में तो ये पूरा डार्क दिखेगा। हाँ ये देखो, हाँ 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 हाँ, ये कैसे सो रहा है, देखो हाथ कैसे रखे हुए, ऐसे ही रख के सोता है ये। देख दिप्पी जाग, थैंक यू। तो हम हो गए हैं रेडी। हाँ रुहान, क्योंकि आज जो है वो रुहान का वैक्सीनेशन है। yes. आज हम उसके लिए जा रहे हैं, सेकंड वैक्सीनेशन ना, सेकंड। पहला तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तभी हो रहा था, और आज सेकंड है तो आज वो जा रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा इसको पेन होगा, हो सकता है कुछ देर तक फीवर भी आए, बट लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता इतना। तो अभी वहाँ जा रहे हैं बस। चलो तब तक तुम रेडी हो जाओ। यस, वी हैव रीच्ड, हॉस्पिटल पहुंच गए। 10 मिनट का वेटिंग है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई है, दो लोग हैं वहाँ पे बेबी अभी, उसके बाद हमें बुलाएंगे। आज थोड़ा सा ये अनईजी हो रहा है ये यहाँ पे कार में, या गर्मी लग रही है, समझ गया इसको वैक्सीनेशन लगना है। क्यों नहीं समझ गया, वैक्सीन लगने वाला है। कभी कभी गर्मी लगती है बच्चों को ना, स्वेटर भी हो फिर वो टोपी भी पहना दो, फिर वो ऊपर ये इसका जो कैरियर वो, तो अभी सब निकाल दिया, सुकून में लेटा हुआ है अभी। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मैं रुहान को वॉक करवा रहा था, दीपिका अंदर थी क्योंकि नंबर लगे हुए थे, तो दीपिका वहाँ पे बैठी हुई थी, ये शांत बैठता नहीं है एक जगह, तो इसको लेके मैं वॉक करा रहा था। और यहाँ दीपिका मुझे बुलाने आ गई और हम चले इसको अंदर लेके डॉक्टर के पास। हो गया इसका वैक्सीनेशन, पहली बार इसको इतना रोते हुए देखा, चिल्ला के जब, और दो इंजेक्शन लगे इसको, एक राइट लेग में एक लेफ्ट लेग में, बहुत अभी बट डॉक्टर भी बोल रहे थे बहुत ज्यादा रोए नहीं, नॉर्मली जब बच्चे इतना रोते हैं ज्यादा रोए नहीं, अभी थोड़ा सा हमने इतना पहली बार रोते हुए देखा इसको है, देखा है हमने इतना, तो डॉक्टर कह रहे थे बाकी बच्चे जितना रोते हैं उसकी कंपैरिजन में कम रोया। बस थोड़ा सा अभी अनईजी है, अभी थोड़ा सा फीवर भी आ सकता है, थोड़ा सा अनईजी रहेगा कुछ देर, बाकी कोई सब ठीक हो जाएगा। तो यस, तो चलिए अभी कहाँ कुछ खा लो तुम, अभी कुछ खिला देते हैं दीपिका को, यहाँ पे कार्टस पास में है वहाँ से कुछ ले लेते हैं और फिर घर निकलते हैं। तो अभी आ गया हूँ मैं कार्टस, मैंने ले लिया अपने लिए रोल, इसके लिए मैंने ओपन शोरमा लिया है। और जब भी मैं कार्टस आता हूँ ना, इनफैक्ट जब से मैं यहाँ पे था हिंदुजा हॉस्पिटल में, जब मैं यहाँ पे कार्टस आया हूँ, तो मुझे एक बहुत ही प्यारी बच्ची मिली यहाँ पे हमेशा, जिसका नाम है रोशनी। तो आज मैं उससे आपको मिलवाता हूँ रोशनी। तो ये है, चलो हेलो करो। हाँ, तो ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। उस दिन अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था तुम्हारे लिए स्टोल लेने गया था मैं, तो उस टाइम भी आया था मैं, तो मैंने उसको बोला मैं तुझसे टिश्यू ले रहा हूँ, बोलते भैया मत लो भैया अभी अच्छा नहीं है भैया। तो ये है, कहाँ रहती है बताओ? कांदोली। मम्मी पापा है नहीं साथ में, दादी के साथ में रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इसकी ले ली है। क्यों फ्रेंड्स बन गए हम? अब जब जब कार्टस आऊंगा ना मैं तुमसे डेफिनेटली मिलूंगा, दीदी को भी लेके आऊंगा अगली बार, अच्छी तबीयत करके लेके आऊंगा, ताकि ये भी बाहर निकल के बातें करे, है कि नहीं? इतनी प्यारी है ना, सबका ख्याल रखती है, इतनी प्यारी है तू, लगती है ना। और आपका भी सेहत का ख्याल रखो। चलो बाय बाय, बोलो खुश रहिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए और प्यार बांटो सब लोग को। बाय। आपने खा ली? मैं अभी मैं घर जाके खाऊंगी, क्योंकि वो फिर खांसी एकदम से शुरू हो जाती है ना, फिर वो रुकती नहीं, घर जाके आराम से खाऊंगी, अभी उतनी भूख भी नहीं लगती। आप खाओ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो आ गया हूँ मैं घर और ये बैठा है रेहान। तो अभी रुहान जो है वो बेटर है काफी, मतलब अभी काफी क्या, मतलब ऑलमोस्ट हाँ, पूरा ही बेटर है हाँ। ना फीवर है ना अभी रो रहा है वो। तो रीजन ये है कि हमने इसको कल जो है वो दिया पेनलेस वैक्सीनेशन जो है हमने इसको करवाया है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपको पेनलेस चाहिए या पेन वाला चाहिए। तो पेन वाले में बेसिकली होता क्या है कि दो तीन दिन तक इनको पेन होता है और फीवर भी आता जाता रहता है, और पेनलेस में सारी चीजें सारी सब कुछ वही होता है, सिर्फ आई थिंक पेन किलर ऐड होता होगा। पेनलेस में इनको फीवर आता है एक आध बार, बट इसका जो असर है वो सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद बच्चा जो है नॉर्मल हो जाता है। और सिर्फ इसका भी यही हालत है कि रात को 1:30-2 बजे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, 5-6 घंटे सुकून से सोया है। फीवर आया था तो कैल्पोल ड्रॉप्स दे दिए थे इसको, जितना जिस क्वांटिटी में एक ही डोज की जरूरत थी, उसके बाद ही वाज फाइन,
दो बजे तो आंखें खोल के ऐसे ऐसे खेल रहा था, तो शोभी से छेड़ रहे थे, कह रहे दवाई लगा के आया है, सोना होता है खेल रहा था। यस ये है, मुझे पता नहीं, सबका अपना अपना मानना होता है, सबके कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, बट डॉक्टर्स जो है डॉक्टर उगरा, और भी मैंने कई जगह पढ़ा है सुना है कि इससे कुछ नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। कई लोग जो मानते हैं एक मेंटली होती है कि अगर बच्चे को दो तीन तक पेन नहीं हो रहा है तो वैक्सीन जो है असर नहीं किया है, ये नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल पेनलेस भी चली हैं, बट जो हाँ, जो इंसान उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है तो उसे डेफिनेटली उसके साथ ही जाना चाहिए। प्राइस ऑलमोस्ट डबल है, किसी का ज़्यादा है, क्योंकि इसको जो कल कंबाइन वैक्सीन मिली है उसको कुछ 5-6 वैक्सीन कंबाइन करके 2 इंजेक्शन मिले हैं इसको, तो उसमें हर एक दवा किसी का रेट एक ओरली ड्रॉप, हाँ तो वो पूरा मिला के जो है कॉस्ट में काफ़ी फर्क आता है। किसी का डबल होता है, किसी का डबल से ज़्यादा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान इस चीज़ को कर सकता है तो उसको डेफिनेटली ये पेनलेस ही देना चाहिए बच्चों को, ताकि दर्द तो होता है ऑब्वियसली। कल देख के बड़ा सा अजीब सा लगा था कि जब एक सेकंड के लिए मैंने जब उसके पैर, मेरी जब पहले मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर तक डॉक्टर ने बोला कौन पकड़ेगा इसको, मैंने कहा मैं पकड़ूंगा इसको, मैं भी उसमें शॉक हो गई थी। इसलिए मैंने आपने नोटिस किया होगा क्योंकि शोएब मुझे घर से बोल के गए थे, मतलब जब मेरा ब्लड टेस्ट होता है तब तो शोएब सुई देख नहीं पाते, तो शोएब मुझे घर से बोलते हुए गए थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मुझे लगा नहीं जाएंगे, तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि कौन पकड़ेगा तो मैंने इनकी तरफ देखा, तो बोला मैं जाता हूँ, मैं बोला आप जाओगे, कहते हाँ मैं पकड़ता हूँ, फिर ये गए एंड ही वाज होल्डिंग, डॉक्टर ने बोला कि इसके दोनों पैर इसके नी जो है उसको ऐसे स्ट्रांग पकड़ लो ताकि पैर फोल्ड ना कर पाए, और जैसे ही मैंने इसके नी पकड़े ना रोहान के, तो एक सेकंड ऐसा हो गया कि क्या कर रहे हो, और फिर जैसे ही इंजेक्ट किया सुई चुभी आया है उसकी, वो चीख, मतलब पहली बार मैंने रोहान के आंसू आते हुए देखे, मतलब उसके रोता है लेकिन आंसू आते हुए देखे हैं, एंड देन उसके बाद वो चीखा है 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको हाथ में लिया है, वो चुप हो गया है, फिर उसके बाद मैंने उसके फेस पे ऐसे दोनों तरफ से हाथ रखा हुआ था, तो उसका फेस इतना स्टिफ हो गया था ना कि वो घुमाना तो बहुत दूर की बात, इसे लाल ये मेरे आंखों के सामने सिर्फ उसकी जबान है। आई एम श्योर ये सबके साथ होता होगा, सारे बच्चों के साथ होता होगा, हमारे साथ पहला है तो हम आपको बताते हैं, शेयर करते हैं चीजें, तो ये है। बट डॉक्टर भी बोल रहे थे कि जैसे आप दूसरे बच्चे रोते हैं ऐसा उतना नहीं रोया है ये, तो स्ट्रांग तो है, शुरू से स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए ये था ब्लॉग, और जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। रेहान कुछ बोलना चाहोगे तुम? नहीं। तो जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, बस अभी ये इसका टीका भी हो गया, इसके बाल भी निकल गए, वैक्सीनेशन भी हो गया, डॉक्टर से पूछ भी लिया घूमने के लिए क्या कैसा क्या, डॉक्टर बोल रहे हैं आप घूम सकते हैं, बस थोड़ा क्राउडेड प्लेस जो है उसको अवॉइड करें। डॉक्टर दीपक उगरा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो इतने चिल्ड है ना, इतने मजे, मतलब इतना अच्छा लगता है एज अ पेरेंट उनसे बात करके, उनको कुछ भी आप पूछो कल ले जाओ तो वो इतना, मतलब आपको इतनी हिम्मत मिलती है ना कि डॉक्टर इतने अच्छे से इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही है। हमने डिस्चार्ज के वक्त भी उनसे एक दो चीजें पूछी थी, तो वो इतने चिल थे कि कल कर लो, बताओ कल करना है, तो बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज। तुम दिख रही हो यहाँ से, अल्लाह हाफिज कर सकती हो तुम, अल्लाह हाफिज रियान, अल्लाह हाफिज। तुम ये दिख रही हो, देखो मिरर में, अच्छा हो।